करूंगी जो तुम्हारा हाथ इतना कांप रहा है, ये बंद होगा तो ही तुमसे काम होगा। संतु जी पानी पीजिए, आप पानी पीजिए। मैडम मैडम एक तो ना इसे पर्सनल लेवल पे ना हमारा रिक्वेस्ट है, आप ना प्लीज ऐसे संतु जी को ना इसे डांटा मत कीजिए। तो देखिए ना मासूम सी बच्ची कितना ज्यादा इसे थरथरा रही है, आप और जोर से डांटेंगे ना तो भड़बड़ा जाएंगी संतु जी इसे। मैडम मुझसे नहीं होगा। का नहीं होगा तुमसे? तुम्हारा दिक्कत का है बे? तुमसे शादी का बात करो तो तुम कांपने लगती हो, झूठ बोलने बोलो तो तुम कांपने लगती हो, इतना कांपती हो हर चीज में तो पुलिस का नौकरी खात करोगी तुम। मैडम मैडम माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन लेकिन सोचिए ना, संतु जी से आप हसीना मैडम का फोन सर्विलांस पे डलवा दी तो? हाँ तो विदाउट ऑफिशियल परमिशन किसी का लाइव लोकेशन ऐसे ट्रैक करना तो इलीगल है ना मैडम? हाँ तो इलीगल काम करेंगी तो कांपेंगे, नहीं तो ऑटोमेटिक है सब लोग कांप जाते हैं इसे मैडम। अच्छा तो तुम्हारे पास मैडम सर और जो नकली मैडम सर का जो गठजोड़ चल रहा है इसके लिए कोई और उपाय है तुम दोनों के पास? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द बिल्लू द स्पार। कौन कहता ही आखिरी रास्ता है, हमसे कहा होता बिल्लू द स्पार है, हमारी प्रोफेशनल सर्विस ली होती तो यू दो मिनट में पता कर लेता कौन असली है कौन नकली है। तुम साबित करोगे तुम जो दो बार वो नकली हसीना मैडम के पास जाकर बिल्लू से उल्लू बनकर आया है? नहीं नहीं बस ऐसे ही मन किया तो डायलॉग मार दिया। मन किया तो डायलॉग मार दिया, मन में आया तो हमने भी एक कंटाप मार दिया। बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। मैडम अगर वो नकली मैडम और असली मैडम अगर दोनों मिले हुए नहीं हुए तो? बेटा जब बारिश होता है ना तो नदी तालाब हर जगह होता है, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं दिखता है। ये मत भूलो कि ये इल्जाम हम पे नहीं लगा है, चोपड़ा के घर पे हमारे साथ तुम दोनों भी थे तो इल्जाम हम सब पे लगा है, इसलिए ये नकली मैडम सर पकड़ में नहीं आई ना तो मैडम सर का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे साथ तुम दोनों का भी बजेगा। क्या बैंड? वाओ तुम चुप रहो, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों हमारा मदद करो उस नकली मैडम सर को पकड़ने में ताकि हम सब एक दूसरे को जल्दी निर्दोष साबित करें, और ये करने के लिए हमें जहां तक पहुंचना पड़ेगा ना हम पहुंच जाएंगे। इसलिए संतोष टाइम वेस्ट मत करो, बैठ के लोकेशन चेक करो, बताओ मैडम से कहां पर है, जल्दी बैठो बैठो। मैडम मैडम सर की लोकेशन मिल गई, मैडम सर इस वक्त यहां पे, पर ये नकली मैडम, मुझे लगता है ये दूसरा जरूर वो नकली मैडम का होगा। जी आपको नहीं लगता कि करिश्मा मैडम बेचारे बदनाम पे कुछ ज्यादा ही भड़क रही है? क्या हो गया इन्हें? हमें मालूम है क्या हुआ है इन्हें, बहू है हमारी, हमसे ज्यादा अच्छे से कौन जानेगा उन्हें, दिल टूटा है ना इसलिए तकलीफ सह नहीं पा रही है बेचारे, और गुस्सा वो बदनाम पर नहीं निकाल रही है खुद पर निकाल रही है। दिमाग तो मान रहा है हसीना मैडम गलत है, मगर दिल कैसे माने कि मैडम भी कभी गलत हो सकती है, दिल की बात किसी से करती नहीं है तो इसलिए आसपास की चीजों पर ऐसे ही गुस्सा निकालती रहती है, यहां तक कि हमारे लल्ला को भी नहीं छोड़ती। सब जानते हैं हम किसका गुस्सा किस पर निकाला जा रहा है, कौन धोखेबाज है,
मगर गलत तो आप है और वो भी शुरू से, और मैडम सर निर्दोष है। देखिए पुष्पा जी, अगर आपको हमें ज्ञान देना है तो आप घर जाके दीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके सीनियर और हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ नहीं जानती आप, और जो कुछ भी जानती है ना वो गलत जानती है। हम गलत जानते हैं, हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर वो फेक हसीना से मिली हुई है, हम ये गलत जानते हैं कि मैडम सर ने हम सबको धोखा दिया है, ये गलत जानते हैं हम पुष्पा जी। तो फिर आप बताइए हमें, आपके पास कोई सबूत है हमें गलत साबित करने का, बताइए। है, हमें सबूत मिल गया है मैडम सर की बेगुनाही का। सनी आता ही होगा सबूत लेकर, लो आ गया। सच्ची खबरों का सिर्फ एक ही अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। पिछले दो हफ्ते से लगातार मैं इसी केस पे काम कर रहा था संतोष जी। मुद्दे पर आओ ना तुम, का सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मैडम, तो ये तरीका है फेक हसीना के काम करने का। ये देखिए मैडम, ये वो फुटेजेस हैं, और ये देखिए, ये फेक हसीना पैसे लेते हुए। नए नए शहरों में जाती है और उनके ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की छवि चुराती है, और वो नाम यूज करके लोगों को ठगती है। पुष्पा जी, लोग आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों का ये नाम इस्तेमाल करती है उन पर शक तो किया जा नहीं सकता। फिर चाहे वो मीनाक्षी जोशी हो या फिर हमारी SHO हसीना मलिक, हर बार नया शहर, नई सोच, नई ठगी और नई पहचान। ये देखिए मैडम, ये वो सारी CCTV फुटेजेस हैं जो मैंने अलग अलग शहर से बरामद किए हैं। अगर आप गौर से देखें करिश्मा मैडम, तो ये जो चक्कर है ठगी का, ये काफी पुराना लगता है। पर अच्छी बात यह है, इससे यह भी प्रूव होता है कि हसीना मैडम का इसमें से कोई भी केस से कोई नाता नहीं है। हसीना मैडम तो खुद इस ठग का शिकार हुई है, शी इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। सनी ने तो कमाल कर दिया। मैं तो हमेशा से ऐसा ही था संतोष जी, आपने अब नोटिस करना शुरू किया है। बहुत मुश्किल काम नहीं था संतोष जी। अब तो मिल गया सबूत। उम्र देखी है हमने, सही गलत पहचाने की अक्ल हम में भी है। हम हमेशा हसीना मैडम का साथ देते आए हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो हमारी सीनियर है, इसलिए कि हमारा अनुभव कहता है वो एक सच्ची पुलिस वाली है। ईमानदार, निष्ठावान और कर्मठ पुलिस वाली, जो अपनी वर्दी के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अरे हम तो सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी सच्चे पुलिस अधिकारी के अंडर काम करने का हमें मौका मिला, और आप उन्हीं पर शक कर रही थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।